हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ये एक सेकेंड, इज विजिबल नॉट विजिबल? हेलो एवरीवन, आई एम विजिबल, जल्दी से बता दो क्योंकि आज मेरे पास, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, वो मेरे पास है नहीं अभी। सो वॉइस वगैरह क्लियर है तो बता दो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। वॉइस वगैरह, पीपीटी वगैरह, ऑल आर गुड और नॉट? अरे रिप्लाई दो, जल्दी दो। मेहनत से बनाई थी मैंने, फिर मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, फिर तब तक टाइम भी तुम्हारा निकल चुका था, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कर ले लेंगे, है ना। पीपीटी वगैरह ये सब आपका ठीक है ना? एक बार देख लो, जल्दी बताओ मुझे। फिर शालू भी आ गई है, हाँ जल्दी पूछो क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करना, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रही है, सो मजा आएगा। हाँ बताओ बताओ, पूछो। वॉइस क्लियर है ना आफरीन? ये कभी नहीं बोलती। वॉइस वगैरह, पिक्चर वगैरह, सब डिस्प्ले वगैरह ओके है? नहीं है कोई तो बोलो। जल्दी बताओ। ओके वेरी गुड, अब पूछो जल्दी, जब तक मैं ये ठीक कर लूं। पता नहीं इसमें क्या आ रहा है इतना ज्यादा। फिल्टर्स के अकॉर्डिंग स्मूथनेस तो ठीक है इसकी, पता नहीं इसमें क्या। फेस भी क्यों आ रहा है? अब सही है, बताओ जल्दी कि क्या पूछना है। फ्रेम क्लास स्टार्ट करूं फिर मैं बेटा, क्योंकि मेरे पास जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ वो एक्चुअली चार्ज नहीं हो पाया।
मार्केट इन विच करेंसीज बाय क्या बाय एंड सेल सेल यस एक सेकेंड, आपने क्वेश्चन ही बेटा ये क्वेश्चन अजीब है, एक सेकेंड। मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल होते हैं, प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज। नो, आपका ऐसा नहीं है कि हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट आ जाती है, इंटरनेशनल में आ जाती है, उसके अंदर आप क्या करते हो, वहाँ पे मार्केट का ट्रेड करने के लिए करते हो। डेट्स जहाँ तक है ये आंसर आपका 80% ठीक है, मैं 20% डाउट में हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। बाकी जहाँ तक है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि वहाँ पे प्राइस क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं करेंसीज के बेस पे, जहां तक है ये आंसर आपका ठीक है। और सब भी क्वेश्चन पूछा करो, मेरा भी दिमाग दौड़े। सबको क्वेश्चन नहीं पूछना होता, सब आता है तुम्हें, या मुझे ही कुछ नहीं आता तो तुम्हें सब आता है, बताओ यार। मैडम से ज्यादा बच्चे होशियार हैं, पर ये चीज अच्छी है मेरे लिए। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी बोलूंगी, सिर्फ सुनोगे आप लोग, और मैं देखूंगी नहीं, बीच में देखूंगी 15 मिनट बाद कम से कम, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन बाद में पूछ लेना लास्ट, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माई सेल्फ आशीष गुप्ता, योर UGC पेपर 2 सेकेंड डे ऑफ इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं विदावा फिल फॉर्म, ये आपका जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, एंड ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे होती है 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। सो नेक्स्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आप ज्वाइन करिए एज सून एज पॉसिबल, एंड अपने फ्रेंड्स को भी अपडेट करवाइए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। सो जैसे आप देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपको बोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, ये सब आपको फिल फॉर्म पे मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं आशीष, एक सेकेंड, यूज कोड आशीष 10, गेट 10% ऑफ एनी फिल अप ऑफ कोर्सेज, ओके। समझ आ गया कि आपको क्या होगा, 10% का ऑफ मिलेगा। आवाज ठीक आ रही है ना, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आपका दिसंबर जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो उससे पहले आप ये देखिए पेपर फर्स्ट का आपका क्या प्राइस है, 1999, एंड पेपर टू का 1999, ठीक है। अगर आप बोथ पेपर लेते हैं तो आपको 2999 पड़ेगा, जो कि आपका 1000 रुपीज का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। सो इसमें आपको बेनिफिट ये, आपके फ्रेंड्स वगैरह को कूपन कोड भी यूज कर सकते हो आप, और अगर ये यूज कर रहे हो तो इससे भी आपको कितना बेनिफिट है ना। सो आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके फिल अप फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करिए, ठीक है। एज इट इज, जैसे और भी आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, देन आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल कॉल ऑन दिस नंबर, ओके। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो मेहनत करोगे, मेहनत करने से डरना नहीं है, और डरोगे नहीं तो क्या होगे, कामयाब होगे, ऑब्वियस है ये, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे, किसने बोला है, अब्दुल कलाम जी ने। अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने भी पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप लाइक सोच के ही बैठे हो, आपको चीजों को एनालाइज करना होगा अपने अंदर। एक एक ये चीजें जो आपको मोटिवेशन में डेली देती हूँ ना, इसका रीजन ये है कि क्लास होने से पहले अगर ये मोटिवेशन मिलता है ना, तो क्लास में पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे, उनके माइंड में चीज आती होगी कि ये डेली डेली बोलना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए नहीं है पर किसी बच्चे के लिए क्या पता ये 2 लाइन उसकी लाइफ की जिंदगी बदल दे, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको डेली लेके आती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी देखने के साथ साथ, ये भी याद रखना, साथ
सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपनों को देखना हो, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है आज की डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? मांग से जो मुद्रा स्फीति होती है उसकी जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि राइज हो जाता है प्राइस में। प्राइस क्या हो जाता है? राइज हो जाता है किसकी वजह से? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये हमने उसमें किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड में, सॉरी आपके उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है, कि आप उसके अंदर पढ़ते हैं कि जब आपकी डिमांड क्या होती है, माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, जब आपकी क्या होती है, प्राइस आपका हाई हो रहा है, ठीक है। क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है। जब हमारी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई उतनी है नहीं हमारे पास, तो प्राइस भी क्या कर देते हैं लोग? हाई कर देते हैं, जिससे कि लिमिटेड चीजों का आप उपभोग कंजप्शन कर सकते हैं, ओके। हिंदी में देख लीजिए, मांग से मुद्रा स्फीति पर क्या असर पड़ता है? तो मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। जब मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है कि व्हाट इज, कोई पूछे मांग से मुद्रा स्फीति पर क्या असर पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं जब हमारी मांग में वृद्धि होगी तो उसके कारण क्या होगी? कीमतों में भी वृद्धि होगी। राइजेस इन प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज द डिफरेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके। सो ये इंग्लिश में इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चीज के लिए कोई बच्चा नहीं मुझे बोलेगा, ये इमेजेस है जिसके जरिए आप समझ पाओगे। इंग्लिश को साइड में रखो, हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है। What is factor pricing? Factor pricing आपको पता है हमारे factors क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं हमारे factors? Land, labor, capital, entrepreneurship, ये होते हैं चार हमारे factors हो गए। चलाने वाले market हम कैसे चलाते हैं? तो factor markets क्या होते हैं? जहाँ पे चीजों से आप sale purchase करते हो। Land से आपको क्या मिलता है? जमीन से क्या मिलता है आपको? जमीन से आपको क्या मिलता है? Rent मिलता है। Labor से क्या मिलता है आपको? Wages मिलता है। Capital से क्या मिलता है आपको बताओ? इंटरेस्ट मिलता है। इससे प्रॉफिट मिलता है आपसे एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। मतलब आपने लेबर से वेजेस वगैरह ये सब करे, कैपिटल से आपने इंटरेस्ट ले लिया, लैंड से आपने रेंट ले लिया, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप कहीं आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीजों को कर रहे हो तो वहाँ प्रॉफिट भी मिल रहा है आपका। तो क्या होता है आपका जो ये जो आप आगे थ्योरी पढ़ने जा रहे हो ना, फैक्टर प्राइसिंग से रिलेटेड ही है, तो उसमें आपको पहले ये तोड़ के पढ़ना होगा। तो व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग? ये देखो ये स्लाइड गलती से आ गई, पीछे लूंगी से। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन कैसे, पहले उससे पहले आप इसे देखोगे, तोड़ोगे इसे। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? फैक्टर प्राइसिंग होता है जहाँ फैक्टर्स होते हैं ना, ये देखो फैक्टर मार्केट ज्यादा मार्केट जहाँ सेल एंड परचेज होता है। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, आपस में प्रोड्यूस करेंगे चीजों को, गुड एंड सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर, इसी जरिए हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हमारी थ्योरी आज की सम्मेशन फैक्टर्स प्राइस इक्वलाइजेशन। अब इसके आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये कहना चाह रहा है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो सकते हैं, फैक्टर के जो प्राइस है वो इक्वलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सम्मेशन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इट वॉज सम्मेशन हु इज टू आर्टिकल इन द इकोनॉमिक जनरल के अंदर, जो दिखाता है फ्री कॉमोडिटी जो अन कंडीशंस दिखाता है कि आप कैसे लीड करते हो चीज़ों में, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये पहले समझ लो, फिर हिंदी में अभी बता दूंगी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन लाइक ये एचओ थ्योरम को एक डिस्क्राइब कर देती है कैसे। एचओ थ्योरम में हमने ये देखा था कि जिसके पास जो एडवांटेज है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर लेगा, ठीक है। बट ये इसमें ये बताता है कि अगर मेरे पास मैं लेबर से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वो जो दूसरा देश है उसमें कैपिटल से रिलेटेड काम कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है एक टाइम पे आके मैं अगर वो काम कर रही हूँ तो उसके प्राइस उसके अकॉर्डिंग मेरे सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, प्राइस फैक्टर का प्राइस इक्वल हो सकता है? तो इसमें यही है, यही बता रहा है इसके अंदर कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जब आपकी जो मतलब लाइक जैसे आप एक ही चीज को भेजते रहेंगे, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक टाइप पे आके आपका माइंडसेट हो जाएगा, अरे ये फैक्टर प्राइस हम इस जगह पे इतना कर रहे हैं तो हमें प्राइस समान ही नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में सामान जा रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारा प्राइस हाई भी होना चाहिए, है ना। अपने देश के अकॉर्डिंग ही थोड़ा ना हमारे पास कैपिटल है, सॉरी हमारे पास लेबर है, हमारे पास श्रम ज्यादा है, तो श्रम से रिलेटेड चीजें बना रहे हैं, तो ये थोड़ा ना कि श्रम से रिलेटेड बना रहे तो हम आपको फ्री में दे देंगे, नहीं, हम आपको ज्यादा में देंगे,
ये सब इसके अंदर बताया है। ये मैं सारी बातें बोल रही हूँ इसीलिए कि ये आगे यही सब चीजें हैं, इतना आगे बोलना ना पड़े, इसीलिए आगे सिर्फ लाइंस हैं आपकी, उनको पढ़ना है, रीड आउट करना है। इस थ्योरी में क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसका क्वेश्चन ही यही था कि क्या फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो सकता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो लैंड लेबर कैपिटल पे क्या होता है, ये सब डिपेंड होता है, ठीक है। और ये देखो इट इम्प्लाइज करता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड आप करते तो सब्सिट्यूट कर लेता है इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, सब्सिट्यूट समझ गए, तेरे पास ये है तो उसकी जगह हम ये कर देते हैं। सब्सिट्यूट बताया था प्रतिस्थापन, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं आगे माइक्रो में आगे पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा। सब्सिट्यूट गुड यही होते हैं प्रतिस्थापन, टी की जगह क्या हो जाता है आपका कॉफी, कॉफी की जगह टी। उसका रीजन आपका ये है कि टी का प्राइस हाई हो जाता है, लोग कॉफी लेना शुरू कर देते, कॉफी का प्राइस हाई हो जाता है टी लेना शुरू कर देते, ऐसा ही कुछ आपका सब्सिट्यूट फूड होता है। समझ में आ गया, एक बार देखूं क्या बोल रहे हैं आप लोग, कमेंट देख लूं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर बोलो कि नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा, चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। देखो एक बात याद रखना, जब भी कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई भी थ्योरी पढ़ो, उसका ना पहले एनालाइज समझना सीख लो। अब वो उसके सामने लाइंस आ रही है वो पढ़ोगे, जैसे शालू ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मैम अभी तो इतना समझ में नहीं आया, जब बाद में पढ़ेंगे तो चीजें आप बाद में रिलेट करते होगे तो आपको समझ आता होगा। इसलिए मैं आपको कहानी इसलिए पढ़ाती हूँ कि आप जब थ्योरी बाद में इतनी बड़ी पढ़ोगे तो आपको ये ना फील हो कि इतना बर्डन है इस थ्योरी में, इतना कुछ है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ तो वो मैं आपको नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको पहले ही कहानी सुना देती हूँ मजेदार वे में। इमेजेस बच्चों हिंदी में बहुत मुश्किल से मिलती है, इसीलिए मैं हिंदी वो सॉरी हिंदी में मुश्किल से मिलती है इसलिए मैं इंग्लिश की इमेज वहां पे लगा देती हूँ। जैसे आफरीन को मुझे पता है प्रॉब्लम होगी बट मैं उसको हिंदी में बोल देती हूँ और जो आपकी थ्योरी है मैं सारी आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देती हूँ। तो बट इमेजेस नहीं मिल सकती तो देखो ये तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना, और अगर आपको कहीं पता हो कि मैडम हिंदी में मिलती है इमेजेस तो प्लीज मुझे बताइएगा। देखो आप लोग उससे ही मुझे सीखना है, ऐसा नहीं है कि मुझे इतना सब कुछ आता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई बात नहीं कि मैम, और अगर आपको कहीं लगता है कि मैम आपको कुछ चेंज करना चाहिए तो आप चेंज करने के लिए मुझे बोल सकते हो कि मैम ऐसा करा दो ये करा दो। हमारा एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन होना चाहिए तभी हमारा JRF निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस ये मेरा वर्ड्स याद रखना। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो मैं एज अ स्टूडेंट थी ना तभी मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। व्हेन आई बिकम अ टीचर एज अ प्रोफेसर एज अ लेक्चरर देन आई विल देन आई डिड लाइक रियलाइज कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इमेजेस का अगर किसी को पता, हाँ मुझे पता है आफिन हमारा रिलेशन यही है, बट बेटा मैं तुम्हारे अच्छे के लिए इसलिए चार बार बोल देती हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ लो। हाँ यही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ना कई टीचर्स क्या होते हैं ना, लाइक मैं बताती हूँ, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, ठीक है, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया ये रहा। अब देखो सुनो, इंग्लिश के बच्चे ही देख लो एक बार के लिए। द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज अ कोरिलेट टू द HO थ्योरम, लाइक पॉल सिमुलसन ने दिया था जो कि इसको प्रूव करता है फैक्टर प्राइस इक्वलेशन थ्योरी में। तो ये क्या होता है ना, कितनी लाइन्स याद रखोगे, कितनी लाइन्स याद रखोगे, नहीं रख पाओगे ना इतनी लाइन्स याद। तो क्या होता है ना, वहाँ पे चीजें थोड़ा सा लाइक जब मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाती हूँ ना इमेजेस से कि ये लैंड है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, ये एंटरप्रेन्योर, तो तुम्हारे माइंड में सेट हो गया, अरे अच्छा अच्छा मैम ने लैंड बताया था, अच्छा लैंड तो ऐसे बताया था मैम ने, जमीन का ऐसे बताया था। तो ये चीजें इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये मेरे को पता है, मैं गुजर चुकी हूँ उस चीज से, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग वहां से निकलो। टीचर हजार पढ़ाते हैं, याद रखना सब टीचर अच्छे होते हैं, पर जिसका हमें समझ में आ गया वो बेस्ट हो जाता है हमारे लिए, ये सच्चाई है। ये नहीं बोल रही कि मैं बेस्ट, जिसका समझ आ गया वो अच्छा है, जिसका नहीं समझ आता तो लगता है अरे क्या पढ़ा रहा है। तो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हूँ, बस ये समझ लो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं,
सो इंग्लिश में ये सब देख लिया, अब देखो ये हिंदी में आ गया कि सैमुएलसन का फैक्टर प्राइस इक्वेशन पे हमें क्या बता रहा है, कि इसने दो लेखों में बताया हुआ है कि जैसे कि कैसे आप मुक्त व्यापार करते हो, ये मैंने आपको समझा दिया, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अजम्पशन आ जाती है, इसकी मान्यताएं आ जाती है। तो इसमें क्या है, केवल दो देश है जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, कि दो वस्तुओं का उत्पादन वो व्यापार करते हैं जैसे भोजन और कपड़ा, याद रखना ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन, और उसमें दो चीजों का उत्पादन हो जाता है वस्तुओं का आपका, जैसे भोजन और कपड़े, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ आएगा, ये अगर डायग्राम समझ में आ गया जिस बच्चे को, उसको ये थ्योरी समझ आ गई, मैं आगे निकल लूंगी दूसरी थ्योरी पे, क्योंकि ये इतने में ही है डिपेंड बस। अब सुनो, अब ये हमारा वेज हो गया और ये हमारा प्राइस का इधर साइड हो गया, ठीक है। अब ये झुका हुआ क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें ये बता रहा है जो एक नेशन अगर किसी चीज में स्पेशलाइजेशन होता है उसके अंदर, उसका प्रोडक्शन करता है, जैसे कमोडिटी एक्स जो है, कमोडिटी ये एक्स हो गई, ये ट्रेड करती है, ठीक है, अनादर कंट्री में क्या करती है, कमोडिटी एक्स क्या करती है, ट्रेड करती है, मतलब व्यापार करती है, और ये इंक्रीज है, ठीक है, इसकी डिमांड फॉर लेबर क्या है, इंक्रीज है रिलेटिव टू कैपिटल से रिलेटेड अगर देखा जाए तो, क्या है वो डिमांड उसकी बढ़ी हुई है, किसकी, लेबर की, लेबर, ठीक है। तो इसके अंदर वेजेस हो गया, वेजेस राइजेस हो गए। अब आप दूसरा नेशन देख लो, दो नेशन की बात हुई थी अभी पीछे बताया था, दो देश की मतलब देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे दूसरा जो देश है प्रोडक्शन किसमें करता है, बाय में, तो इसमें इंक्रीज इसकी डिमांड किसकी है, कैपिटल की, समझ गए। एक नेशन है, एक नेशन बी नेशन, एक नेशन की लेबर में डिमांड बढ़ी हुई है और इसकी कैपिटल में बढ़ी हुई है, दूसरा जो देश है, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि दिस विल कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू होता रहता है तो बी इज इक्वल टू बी हो गया, बराबर हो गया, बट पीवी पॉइंट अगर मेरा आ गया, पीवी पॉइंट है ना, ये पीवी पॉइंट अगर मेरा बन जाता है ये वाला, ये तो क्या बता रहा है, ये दोनों नेशन को यहाँ पे दिखा रहा है, और एक टाइम पे आके जब यहाँ पे ये ऐसे गिर रहा है, गिरता हुआ इसलिए हो रहा है कि एक टाइम पे आके आप चीजों को कितना समान रख लोगे, नहीं रख पाओगे, चीजें डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगी। देखो पिछले जो हमने पढ़ा है वो इधर हमें समझ में काम आएगा, डिसइक्विलिब्रियम बताया था, जब दोनों चीजें समान हो जाएंगी तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा असंतुलन, इसीलिए इस पॉइंट पे आके हमारी चीजें बराबर है और इस पॉइंट पे आके, एक टाइम पे आके हमारी चीजें क्या हो रही है, घटती हुई हो रही है। इस डायग्राम पे यही बताया हुआ है कि कैसे आप, एक लेबर अगर ज्यादा होता है, कैपिटल ज्यादा होता है, दोनों ज्यादा हो रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बट अगर जब ये गिरता हुआ होता है तो पॉइंट बी बी पे नहीं है, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे गिर रहा है, यहाँ पे गिरता हुआ दिखा रहा है, यहाँ पे गिरता हुआ नहीं दिखा रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देख लो, उत्पादक के दो कारक है, भूमि और श्रम, ठीक है। इसमें उत्पादन के आप ये सब पढ़ चुके हो, बहुत इजी। अब देखो इसमें इंग्लिश में इसलिए लिखा है, ये देखो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये क्या देता है, लैंड, ये क्या देता है, लैंड, जिससे आपको रेंट मिलता है, लेबर से आप जब काम करवाते हैं तो उससे क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है। कैपिटल होता है जब आप फाइनेंशियल चीजों में लगाते हो, कहीं इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह आपको मिलता है तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एंटरप्राइज क्या होता है आपका, द रिवार्ड फॉर एंटरप्राइज इज प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट में उसका लाइक लाभ मिलता है ना, जब आप किसी चीज में रिवार्ड मिल रहा है आपको, ठीक है। तो नहीं, सर में क्यों दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है। तो प्रत्येक क्या चीजों का क्या है, इसमें अलग अलग है, उत्पादन तकनीक का इसमें दिखा दिया, दोनों देशों में चीजें अलग हो जाती हैं, भूमि गहन भूमि चीजों का काम करेगी, कपड़े गहन कपड़े चीजों का काम करेगी, तो ये गुणात्मक जिसका जिसमें है वो वही काम कर रहा है, ठीक है, इसमें ये बता दिया। अब देश ए है भूमि या पूंजी तो प्रचित मात्रा में काम कर रही है, ठीक है, और देश बी है वो उसमें दिखा रहे हैं, तो ये सही प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इसमें टैरिफ का भी अभाव है, कोई परिवहन लागत नहीं, नो ट्रांसपोर्ट पेमेंट, उत्पादक के कारक दोनों देशों के बीच नहीं चलते हैं, ठीक है। प्रत्येक कारक प्रत्येक देश में पूरी तरह से नियोजित है, उत्पादन में प्रयुक्त कारकों की मात्रा क्या मानी जाती है, स्वाद दोनों देशों में समान होता है, दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन दोनों कारकों के साथ करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके क्रिटिसाइज क्या है, इसको क्रिटिसाइज क्या किया सैमुसन ने, ये क्रिटिसाइज किया गंभीर रूप से, इसने देखा अच्छा इसके अंदर ये सब चीजें हैं, ये इसका यहाँ पे ये है, अर्थशास्त्रियों ने ऐसे ऐसे बताया, इसको पढ़ लेना कोई इतना बोलिए,
बहुत फैक्टर्स नॉट अवेलेबल, दोनों फैक्टर्स नहीं मिल सकते। आगे वही वाली बात पीछे बताई थी, वही डायग्राम में बताई थी, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, ये वही है। दोनों कारक उपलब्ध नहीं होते, ये माना जाता है कि दोनों कारक दोनों देशों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक कारक एक देश में उपलब्ध होता है। समझ में आ गया? दोनों देशों में इसकी कीमतें अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो मैं भी वही चीज, मैं भी चीज, तो अलग अलग थोड़ी ना, सेम ही तो रखेंगे, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन नॉट सेम, प्रोडक्शन फंक्शन सेम नहीं होता है, ठीक है। उत्पादन समारोह समान नहीं होता, उत्पादन जैसे कर रहे हो सेम कैसे हो जाएगा। मैं श्रम लागत मेरा देश मैं श्रम से बना रही हूँ, तो मेरे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तुम तो टेक्नोलॉजी से चीजें बनाओगे, है ना। तो वही चीज है, तो प्रमेय भी मानता है इसमें, मतलब इसमें बताया हुआ है कि मिडे ने बताया कि पाठ्य पुस्तक, ये देखो ये लिखा है ना, पाठ्य पुस्तक और एक ही दिमाग का उत्पादन नहीं होगा। शिकागो लंदन में यही विचार है, ऐसा इसलिए क्योंकि सब चीजों में शारीरिक जलवायु, वहां पे सब चीजें क्या है, अलग है, क्या है, अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को एंटर इंटू ट्रेड में दिखाते हैं, परिवहन लागत व्यापार में प्रवेश करती है। परिवहन लागत किसमें, इसमें क्रिटिसाइज करा इसमें की अनुपस्थिति, मतलब इसमें बता रहा है ये हमेशा भेजने के लिए कुछ खर्च करता है। एक देश से दूसरे देश में जाने वाली जो वस्तुएं होती है, भोजन की कीमतें होंगी अमेरिका की तुलना ब्रिटेन में अधिक होंगी, और कपड़ों की कीमत क्या होगी, ब्रिटेन की तुलना में अमेरिका में अधिक होगी। तो दोनों का अपना परिश्रम, और इसलिए मजदूरी तुलना में ब्रिटेन कम होगी अमेरिका से। इसी तरीके से भूमि, वही मतलब हर जगह परिवहन लागत भी अलग, जितना जो चीज जितनी दूर होगी भाई टैक्स उतना ही तो लगेगा उसमें, ज्यादा नहीं लगेगा उसमें। इंडिया में चीज आ रही है उसका टैक्स इतना थोड़ी लग जाएगा, अब कहीं भेज रहे हो यूएस में तो उसका ज्यादा टैक्स लगेगा, तो वही चीज है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन नॉट पॉसिबल अंडर कॉन्स्टेंट कॉस्ट के अंदर, क्या बताया हुआ इसके अंदर कि पैमाने पर, ये क्या बता रहे मिड ने दिखाया है कि यदि कोई वस्तु का निर्माण आप कर रहे हो अपने उसके अंदर, तो इक्वलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन आनंद लेता है कि निर्माण बड़े पैमाने पर उत्पादन की अधिक अर्थव्यवस्था है कम में, जो हमें अमेरिका है उसकी तुलना में क्या बताता है कि अधिक अमेरिका में कम होगी, ब्रिटेन की तुलना में क्या होगा, कपड़े की उसमें ज्यादा होती है, वहां पे श्रम ज्यादा है ना। एक वस्तु में विशेष, मतलब वही बता दे, विशेषज्ञता संभव नहीं, स्पेशलाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या बताया हुआ इसमें एकल वस्तु, लेकिन उनमें से किसी एक पे आप पसंद कर सकते हो कि हमें यही बनाना है दोनों देशों। तो एक देश का अगर दो चीज में है तो एक वो एक ही अपने हिसाब से बनाएगा। इसलिए अगर ब्रिटेन में गेहूं हो जैसे अन्य उद्योग बहुत खराब होते हैं, ठीक है, तो विशेष उद्योग कपड़ों के संबंध में छोटा होता है, तो इस स्थिति में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा। समझ में आ गया ये इसको क्या कर रहा है, इक्वलाइजेशन को क्या बता रहा है, होगा कि अगर आप इक्वल कर सकते हो। ये क्रिटिसाइज करा इसने इसको कि इसमें कह रहा है ये संभव नहीं है, पर इसमें कह रहा है अरे नहीं होगा कैसे नहीं। Not applicable to more than two goods and factor, मतलब इस थ्योरी के अंदर applicable ही नहीं है दो गुड्स और फैक्टर से ज्यादा। तो ये तो हमने पढ़ा पीछे अभी कि दो कारकों पे ही ये है, ये पॉइंट इसी पे है। स्टैटिक थ्योरी होती है, लाइक स्टैटिक में एक तरीके से कुछ चीजें विशेषताओं के ऊपर रहती है, लाइक इसके अंदर देख लो आप तकनीक से रिलेटेड होगा, बंदोबस्ती से रिलेटेड होगा, असली दुनिया में जो क्या चीजें आपकी मिल रही हैं उससे रिलेटेड चीजें आप देखोगे, कुछ संतुलन के अकॉर्डिंग देखोगे, है ना, कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखोगे क्या कैसे प्राइस मिल रहा है। इनइक्वालिटीज इन फैक्टर इनकम, इनइक्वालिटीज दिखाता है कि फैक्टर इनकम में इनइक्वालिटीज क्या है। कारक आय में असमानता, मिंडर किंडरवर्थ ये जो सबने बताया है कि इन्होंने बताया कि बजाय बढ़ती असमानता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तकनीकी व्यापार हो रहा है और किंडरवर्थ अधिक है, इसलिए ये लिखते हैं विकसित और कम के बीच में व्यापार होता है, मतलब जो देश विकसित ज्यादा है और जो कम है उसके बीच में व्यापार इसलिए होता है, वो कम है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है, इम्पोर्ट कर देता है, ऐसी आगे अपना चलता रहता है अपना थ्योरीज में। नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब इससे परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें क्या बता रहे हैं किसी भी टैरिफ और गैर टैरिफ के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बाधा होती है। इसके अंदर टैरिफ तो होता ही है ना। और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के अंदर आप देख सकते हो कि सैमुएलसन ने बताया है कि जब दो देशों में आप काम करोगे तो उसके बीच में आप क्या देखे जाओगे, श्रम गहन होने के पहचाना जाता है कि दो उत्पादों कारों में समान ना हो, है ना। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल कर दिया, एक रिवर्स कर दिया चीजों को, एक उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है।
one point on the production function may be relatively land or capital intensive and another point of the same production function may be relative labor intensive. यहाँ पे ये बताता है कि भूमि जो पूंजी होती है वो ज्ञान एक बुद्धि पर आपका होता है और श्रम ज्ञान हो सकता है. लाइक ये कहना चाह रहा है कि जो रिलेटिवली लैंड होता है वो आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उस पर आपका इंटेंसिव हो गया, कैपिटल इंटेंसिव. और जो अनदर पॉइंट पे सेम प्रोडक्शन कर रहे हो आप तो रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर वाला लेबर करेगा, कैपिटल वाला कैपिटल करेगा, है ना. द केस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल में वेयर अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन फैक्टर वाइज एंड फैक्टर इंटेंसिव इज नॉट पॉसिबल. मतलब एक के एक होकर ये नहीं कर सकते हैं, इनको अपना दोनों का अपना अपना फायदा लेना पड़ेगा कि मैं ये बनाता हूँ तो तुम, मैं ये बनाऊंगा तू बनाता हूँ, ये तू बनाइए, ठीक है. अब मेरी ये फैक्टर रिवर्सल वाली थ्योरी हो गई खत्म, ठीक है. अब मेरी आ गई फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल. अब ये रिवर्सल कर रहा है, इसको रिवर्स कर रहा है. स्टॉपर सैमुसन रिवेंस्की की थ्योरम है, ठीक है. तो एच यू थ्योरम एज्यूम करता है कि दैट प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट हो जाते हैं टू डिफरेंट कमोडिटीज में जो ट्रेड हो रहे हैं, बट आर द सेम फॉर ईच कमोडिटी इन टू. मतलब अगर ईच कमोडिटी आप यूज कर रहे हो तो इन द टू कंट्री इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम कमोडिटी वाई. क्या हो जाती है, वाई से एक्स डिफरेंट होगी अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हो किसी चीज का. ऑफकोर्स वो तो होगी, उसमें लागतें अपने अपने अकॉर्डिंग चीजें लगेगी, है ना. तो यूज टू प्रोड्यूस, तो इसमें क्या बताता है कि सो द इज अ टेक्निक यूज क्या होती है, वाई इज द सेम इन बोथ ए एंड बी कंट्री. मतलब जब टेक्निक यूज कर रहे हो तो वाई और ए में दोनों कंट्री में आप एक सेम यूज कर लो, ये कहना चाह रहा है. फैक्टर रिवर्सल कर रहा है, इसे उल्टा कर रहा है. कह रहा है कि अगर मैं लेबर इंटेंसिव हूँ तो तुम लेबर इंटेंसिव हो जाओ, और मैं कैपिटल इंटेंसिव हूँ तो इंडिया कैपिटल इंटेंसिव होता है. ये रिवर्स का कहना चाह रहा है, रिवर्स कर दो चीजें, ठीक है. अब मान लो एक कंट्री कैपिटल अबंडेंट है, ठीक है. ए कंट्री के पास पूंजी पूंजी है और वाई के पास, ठीक है. ए इज कैपिटल अबंडेंट, वाई इज कैपिटल इंटेंसिव गुड होगी. ए एक्सपोर्ट कर रहा है वाई को, और बी बीइंग अ लेबर अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव गुड के एक्स को, ये कर रहा है, ठीक है. समझ आया कुछ. मतलब जो अगर कैपिटल इंटेंसिव है वो कैपिटल इंटेंसिव बनाएगा, और जो लेबर जिसके पास है इंडिया के पास वो लेबर इंटेंसिव बताएगा. अकॉर्डिंग टू फैक्टर रिवर्सल इसके अकॉर्डिंग बताता है कि सेम गुड वाई विल बी कैपिटल इंटेंसिव. मतलब वो ये कह रहा है कि सेम गुड बनाएगा, ठीक है. कंट्री ए और लेबर इंटेंसिव बी वही सेम गुड बनाएगा जिसमें वो होगा, मतलब जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसी में बनाएगा. अब एक सिचुएशन में फंस गए लोग, तो ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एच ओ थ्योरम बोथ ए एंड बी कंट्रीज एक्सपोर्ट करेंगे द सेम कॉमोडिटी का वाई टू ईच अदर. वाई को मतलब सेम जो बना रहा है वो उसका क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल, इसने बोला ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. एच ओ थ्योरम ब्रेक डाउन कर देता है इसको, मतलब एच ओ थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो उसे क्या करती है, ब्रेक डाउन, ठीक है. इंटेंसिव रिवर्सल को फेल बता देती है कि ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में होता है. तो तुम ये मत कहो कि तुम भी तुम ए कंट्री तुम हो तो तुम वो कैपिटल इंटेंसिव चीजें भी बना लोगे और लेबर इंटेंसिव चीजें बना लोगे, ऐसा नहीं होता है. ये एचओ थ्योरी बोल रही है, कह रहा है इसको एक्सर रोलिंग बोल रहा है कि नहीं, जो चीज जिसमें ट्रेड तभी होगा जब आपका उसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा. इस थ्योरी में ये है, ये पूरा मैंने इसलिए समझाया कि तुम्हें पॉइंट के साथ समझ में आ जाए, ठीक है. समझ आ रहा है, कहाँ गए, सो तो नहीं गए, जगा दूं तुम्हें थोड़ा, समझ आ गया. अच्छा दूसरी बात, YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो आ रही है तो कौन कौन बच्चा देख रहा है, कौन कौन बच्चा देख रहा है कि वीडियोस वगैरह कैसे उसके अंदर शॉर्ट वीडियो आ रही है, लाइक करते हो, कमेंट भी कर दिया करो बच्चों, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, आगे और भेजो, आगे शेयर करो, लाइक करवाया करो, इतना तो करोगे. बेटा थ्योरी पढ़ना बहुत अलग चीज होती है, पढ़ाना बहुत अलग चीज होती है. लाइक करते हो, वेरी गुड. आफरी लाइक करती नहीं करती है, आफरीन को करेगी लाइक ना, आफरी आफरीन कहेगी मैम हम मुझे ही क्यों बोलते हो. याद रखना
मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, इसलिए तुम ही निकलोगी डेरक वाली, सबके साथ निकाल दूंगी तुम्हें, सारे बच्चे मेरे डेरक में निकलने चाहिए इस बार। मुझे पता था ये यही बोलेगी। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मजाक करते रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते दिमाग चढ़ जाता है बच्चों। तुम्हें नहीं लगता कि 1 घंटे की क्लास होती है वो ठीक है, पर 1 घंटे में जान लोगे या मेरी? एक तो आज सर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा कि कोई PhD वगैरह सोच रहा है क्या करने की? कोई सोच रहा है? और सुनो कॉपीज ना अलग अलग बना लो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना? बार बार नहीं समझाऊंगी। इंटरनेशनल, माइक्रो, मैक्रो, जो भी आपका है, वट एवर, ऑल यूनिट्स, सो आप उनकी कॉपी बनाइए, ठीक है? ऊपर बड़ा बड़ा लिखिए, चिट्स बनाइए कि इसमें है हमारी HO थ्योरी, उस पर पेस्ट कर दे दिए, नेक्स्ट पेज पे आपका सैमुएलसन की थ्योरी है, उसकी चिट आप लगा दीजिए, जिससे कि आप कॉपी आपके हाथ में हो तो आप ऊपर से ही देख के उसको देख पाए कि हाँ अच्छा ये थ्योरी हमने पढ़नी है। कि घंटे भर ऐसे ऐसे पेज पलट रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे हमें वो थ्योरी तो मिली ही नहीं थी, इसीलिए ये चीज कर लो, ये पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आने वाला टाइम ना बहुत हेडेक हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि चीजें बढ़ती रहेंगी। मैंने इसीलिए इंटरनेशनल से स्टार्ट किया कि थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए, जब वो करो ना तो नहीं हो पाता। और यूट्यूब पे सुनो, मैं माइक्रो पढ़ाऊंगी इस बार फ्राइडे को, ठीक है? पिछली बार में पढ़ाई थी, सो अब आ जाते हैं। ये हमने देख लिया सिंगल फैक्टर, इसके मैं कह रहा है सिंगल फैक्टर इंटेंसिव क्या होता है, एक तरफ का क्या होता है उल्टा पे, जो कि हमने देखा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके प्रभाव देख लो, प्रभाव से ही समझ जाओगे कि इसमें अजम्पशंस होती है। इसके अंदर दो देश जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन विशेषण क्या होता है इसके में, एक देश तक ही सीमित होता है। यह देश केवल दो वस्तु उत्पादन करता है, गेहूं और आपका इसका जो भी आप ले लो घड़िया वगैरह, ना तो वस्तु दूसरे के उत्पादन में एक यूनिट है, मतलब ये नहीं कि दूसरे को दे रहे हैं एक यूनिट, ठीक है? सो डी दो कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं ऑनली टू फैक्टर, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है? ये दो फैक्टर है, लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन दोनों में होता है लीनियर एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन, ठीक है? बोथ फैक्टर फिक्स्ड हो जाता है इन सप्लाई करने में, और बोथ फैक्टर आर फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाता है, और बोथ फैक्टर्स आर मोबाइल हो जाता है बिटवीन सेक्टर्स बट नॉट बिटवीन कंट्रीज। बोथ सेक्टर फैक्टर्स क्या होता है, मोबाइल हो जाता है बिटवीन सेक्टर्स के बीच में बट नॉट बिटवीन द कंट्रीज, समझ गए? सेक्टर्स के बीच में मोबाइल हो सकता है, कंट्रीज के बीच में फैक्टर्स मोबाइल नहीं हो सकते हैं। सोचो कि लेबर उधर भी चली जाए, लेबर इधर भी आ जाए, भाई लेबर कहाँ कहाँ जाएगी, समझ में आ गया? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन होता है फैक्टर प्रोडक्ट मार्केट करने में। प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस देख लो, अलग अलग देखते टर्म्स ऑफ ट्रेड टू कंट्रीज के बीच में चेंज हो जाता है, नहीं होता है। अब इसमें डायग्राम था, एक सेकेंड देखो वो पढ़ाती हूँ तुम्हें, तो समझती है। देखो ये रहा डायग्राम, अभी तक देखो डायग्राम, यहाँ आपका कैपिटल है, पहले इतना ही ले लो उसको, इतना आधा रखो, इतना आधा रखो उसको, ठीक है? ये हमारा वीट है, ये मेरा कैपिटल है, ये मेरी लेबर है, ठीक है? ये वॉच, चलो सारे ही मैं समझाती हूँ तुम्हें कैसे। अब इसमें ये ले लिया इसने, इसके साथ इसने जोड़ दिया इसको कैपिटल वाली लाइन को, ये ठीक है? अब इसने इसको साथ जोड़ दिया वॉचेस वाली लाइन को, ये ऊपर दो लाइन हो गई, लग गई। अब इसको इसने इसके साथ क्या किया, जोड़ दिया। बट जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे दो, यहाँ पे आके क्या हो रहा है, दोनों का इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो जा रहा है कि कैसे कैसे ये वॉचेस का कर रहे हैं, कैसे लेबर का कर रहे हैं, बीट से लेबर, फिर कैपिटल से वॉचेस आ रही है, वॉचेस से ऐसे करके, क्योंकि लेबर क्या कर रही है, गेहूं का उत्पादन कर रही है, कैपिटल से हमारी घड़ियां आ रही है, तो ऐसे से ये घूम रहा है डायग्राम। यही बता रहा है कि जब आप ऐसे से ट्रेड करोगे तो हमारे देश की, ये दो डायग्राम है, हमारे देश की चीजें पहले यहाँ पे थी, अब वो बढ़कर यहाँ पे आ गई, तो समझ गए? देखो बताती हूँ अब इसके अंदर क्या बता रहा है। ये देखो इसके अंदर कि आपका जब आप चित्र 4 में देखोगे तो देश की उत्पादन संभावना पर गेहूं और गणिया व्यापार से पहले की स्थिति क्या थी, जो मेल खाता है इसके बीच में, क्या बता रहा है, मेल खा रहा है। देखो आप देख सकते हो PC है, वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का समझाया था, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो जाता है आपका,
ठीक है, इसमें क्या देखते हो आप, सेम पॉइंट पे देखोगे डायग्राम के अंदर, P1 P1 आ गया, ये देखो ये हमने लाइन खींच ली, P1 P1 हो गया, P1 P1 हो गया आपका, है ना, ये प्राइस रेशियो दिखा रहा है आपको। इसके सिमिलर आप बॉक्स डायग्राम में क्या देखते हो कि जब ट्रेड की सिचुएशन आती है ना, तो एन की तरफ आप आ जाओगे इधर, ये एन हो गया आपका, एक सेकेंड। ये देखो ये हो गया, ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो गया, ठीक है, इधर मैंने ये पॉइंट ले लिया, इधर मैंने अपना ये वाला पॉइंट ले लिया जो कि एन पॉइंट है, ये पी का प्राइस का दिखा दिया से, ठीक है, इसके बीच में ट्रेड हो रहा है, ये नेशन के बीच में दिखा दिया ये, ठीक है। इसके अंदर बताता है पीपी हमारी क्या होगी, प्राइस लाइन होगी, क्या होगी, पीपी मेरी प्राइस लाइन, ठीक है, जो क्या होता है स्टीप पे है, स्टीप है ये, क्या बोलते हैं इसको, स्टीपर है, ऐसे स्टीपर, ठीक है। तो एन क्या दिखाता है कि आफ्टर ट्रेड आपकी चीजों में कैसे, ये देखो वॉचिस के इसमें दिखा, ये वॉच हो गई, ये बीट हो गया, जब आप दोनों के बीच में यहाँ भी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ भी ट्रेड कर रहे हो, ये बीच में आके मिल रहा है पॉइंट, तो यहाँ एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पी है, यहाँ आपका सी है, तो यहाँ आके डाउनवर्ड में जा रही है चीजें, पर यहाँ आके प्राइस मिल रहा है इसका दो बार, तो वॉचिस का क्या होगा, यहाँ पे फायदा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वीट हैज इंक्रीज रिलेटिव टू वॉचिस, मतलब इसके वीट के अकॉर्डिंग, सॉरी वॉचिस के अकॉर्डिंग वीट क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी, मतलब इसकी क्या दिखा रहे हैं, प्राइस क्या दिखा रहे हैं, इसका बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। देखो पी से पी वन हो गया यहाँ प्राइस, पी से पी वन प्राइस हो गया हमारा, बढ़ गया ये प्राइस, क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ हमारा प्राइस क्या है, पीपी ही है, समझ गए, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो इतने का हो रहा है, लाइन तो नहीं सीधी, ये देखो इतने का बन रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में यही है कि घड़ियों का कैसे दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम, इट इज क्लियर। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर यही बताया हुआ, एम और एन बेटा बता रहा है, रुको मैं बताती हूँ, एक सेकंड, एम और एन आपका बता रहा है कि आप इसी के अंदर पूछ रही हो, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एन आपका बता रहा है जब आप ट्रेड कर रहे हो उसके बाद में, ठीक है, जब, और एम क्या दिखा रहा है, जब प्री ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, जब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो ये एम आपका बता रहा है, और जब आपने ट्रेड कर लिया मतलब ट्रेड हो गया, तो वो एन ये यहाँ पे दर्शा रहा है, इसके बीच की सिचुएशन है ये बीच की सिचुएशन है, जिसको बता रहा है कि जब ट्रेड कर चुके हो तो वीट को फायदा हो रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉचेस, इसके बीच में ये दिखा रहा है। एन क्या दिखा रहा है, टेंजेंट कर रहा है, देखो लाइन पे यहाँ पे टेंजेंट कर रहा है, मतलब इसको यहाँ पे पॉइंट बता रहा है, क्या दिखा रहा है कि आफ्टर ट्रेड क्या दिखा रहा है कि जब ट्रेड हो रहा है ना, मतलब व्यापार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्राइस वीट का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, वॉचेस के अकॉर्डिंग, ये देखो प्राइस बढ़ रहा है, P1 हो गया यहाँ पॉइंट, ये देखो यहाँ पे P1 लिखा है, ये देखो ये P1 लिखा है यहाँ पे, तो एम दिखा रहा है कि पहले जो आप ट्रेड करने जा रहे हो उससे पहले सिचुएशन क्या थी, एन दिखा रहा है कि जब आपने ट्रेड कर लिया तो उसके बाद सिचुएशन क्या थी, ये बता रहा है, समझ आ गया शालू, समझ आ गया, ठीक है। जब आप ट्रेड करोगे उससे पहले चीजें देखोगे, जब ट्रेड कर चुके हो तो उसके बाद चीजें देखोगे, तो ये दोनों चीजें ही उसका प्राइस दर्शा रहा है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ये इम्पोर्टेंट है, सबको समझ आ गया, लोमन वगैरह सबको आ गया, आफरी समझ में आ गया, मैं तो स्क्रीन ही देखी जा रही है, आईज में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, एक साइड हाफ में सर में दर्द हो रहा है, समझ आ गया तुम लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके ना इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि तुम लोगों को फिर ये हो जाएगा ना याद, मतलब समझ, द प्रिंसिपल जो स्टॉप सेवनसन की थ्योरा है उसके अंदर बताते हैं कि अजम्पशंस अवॉइड करती है इसके बीच में, कि
कैसे इनकम को फ्लो कर रहे हैं, लाइक इसके अंदर आय में बदलाव को तोलने की समस्या है, पैसों की कीमतों से दोनों को देखा जाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है कि जो चीज हमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो चीज हमें अगर इतने में मिल रही है इस कंट्री में 4 रुपए की, तो दूसरे में हमें सस्ती पड़ेगी। ठीक है, क्या बताता है कि व्यापार खुलने से वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार होता है। जब व्यापार बढ़ा होगा तो वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार होगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कारक के साथ उत्पादित जिसका वास्तविक इनाम बढ़ जाता है ना। इस प्रकार आय वितरण प्रचुर मात्रा में कारक के पक्ष में चलता है और दुर्लभ कारक के खिलाफ इनके विपरीत क्या होता है, टैरिफ का अधिरोपण होता है। ऐसे देश में आयात योग्य वस्तु व्यापार और दुर्लभ कारक को लाभ देता है। दूसरे शब्दों में आय क्या होता है इसके बीच में, ये मतलब वही बता दिया कि आपका UDC पढ़ लो। अब ये देखो इसके अंदर बताता है कि विकासित देशों के लिए महत्वपूर्ण क्या प्रभाव है। श्रम प्रचुर मात्रा में विकासशील देशों में होती है। ठीक है, टैरिफ के माध्यम से आयात कर सकते हो, प्रतिस्थापन अपनाया जाता है, पदोन्नति होती है व्यापार में तो स्तर बढ़ता है, ये तो पता है, इनाम भी बढ़ेगा। श्रम आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी ओर जब आय जो आयात आप कर रहे हो उसका प्रतिस्थापन करोगे तो टैरिफ प्रचुर मात्रा के उसमें लगेगी। ठीक है, और श्रम और दुर्लभ कारक पूंजी बढ़ाना पड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आय और विकास में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आ गया। ये दो थ्योरी आज हमारी कंप्लीट हुई है और बहुत नेटवर्क 5 सेकेंड रिपीट, वो तो आप थ्योरी अपने आप की देख लेना, पढ़ लेना, उसमें कोई तो नहीं है, इसे इतना कोई टफ नहीं है, इसको परेशान मत हो। इसमें यही बताया हुआ है कि कैसे आप जब एक देश में चीजें दुर्लभ होती हैं तो उसको जब खुला व्यापार मिलता है तो उसमें चीजों का उत्पादन विस्तार से होता है। इसमें ये बताया हुआ, इसमें ये बताया हुआ जब विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण क्या प्रभाव होता है, जब प्रचुर मात्रा में श्रम ज्यादा होता है तो विकासशील देशों में निर्यात हम लोग कर रहे होते हैं दूसरे देश को, है ना, टैरिफ के माध्यम से जो भी आप लगा लो। ठीक है, दूसरे देश में जाएगा टैरिफ वगैरह भी लगेगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है, पदोन्नति भी होती है। ठीक है, ठीक है, पदोन्नति भी हो जाती है, उसके अंदर इनाम वगैरह बढ़ता है, ये सब इसमें बताया। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। PDF तो अभी मिल जाएगी आप लोगों को, अभी सेंड कर दूंगी मैं। बेटा आखिरी PDF तो आपको डेली मिलती है, मिल जाती है ना, क्योंकि मैं तो उसी दिन अपलोड कर देती हूँ, मैं तो उसी दिन अपलोड कर देती हूँ, आधा एक घंटे में ही कर देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो मैं तुरंत ही कर देती हूँ। ठीक है, तो किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कि मैम ये समय ये समझ में नहीं आ रहा, हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा, या कुछ बात करनी है तो कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड। ये मिलाकर 4 PDF होनी चाहिए। मुझे नहीं पता बेटा, डेली क्लास की वीडियोस आ रही है आपके पास, बस एक दिन आपको PDF नहीं सेंड करी थी, 2 दिन की एक दिन सेंड करी थी, 2 दिन की एक दिन सेंड करी थी आपने, क्योंकि वो हम 2 दिन में कंप्लीट करा था वो हमने, बाकी मुझे नहीं पता कितनी PDF है। डेली आपकी PDF डलती है, आपको पता है टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, खोल के देख लिया करो, है ना। इसमें PDF को मोबाइल में कैसे सेव करना है, वो तो शायद प्रिंट आउट भी तो निकल रहे हैं ऑफलाइन, है ना, प्रिंट आउट निकल जाते हैं अब तो, सर ने अलाउ कर दिया ना, उसमें आप सेव कर सकते हो ना, वहीं जाके आप सेव करो, जब PDF खोलोगे तो वहां पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जब आप करके देखना, रविंद्र ट्राई करना। हाँ, तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो आप, ये भी आपके लिए फायदा है कि आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ये नहीं कि प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, निकलवा सकते, सेव नहीं होता कोई बात नहीं, पर उसका प्रिंट आउट तो निकलता है, स्क्रीनशॉट होते हैं। अच्छा, मतलब प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है आखिरी नोट्स का, नोट्स का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो आप लोग, जल्दी से बताओ। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ओके तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जो आप डेली लाइव क्लास लेते हो ना उसके अकॉर्डिंग मेन मेन हाँ स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसको पॉइंट मेन मेन हाईलाइट कर लो, बस इतना देख लो अपने आप। और बाकी यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बताई दिया जाता है ना? ठीक है, आज हमारी दो थ्योरी होगी बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम आगे और थ्योरीज देखेंगे, ठीक है? टैरिफ वगैरह भी पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ना है अभी हमें, ठीक है? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कुछ समझदार बच्चे हैं। ओके तो क्लास को एंड करती हूँ फिर, ठीक है? एक बार स्लाइड देख लो, तुम लोगों के लिए बनाई है ये तो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और मेहनत जरूर सफल होती है जो मेहनत करता है। याद रखना, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, ओके? ये वाला एक बार अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका फैक्टर प्राइसिंग का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लैंड लेबर कैपिटल क्या देते हैं। इसके बाद जो ये वाली साइड थी आपकी, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग ये क्या देता है लैंड लेबर कैपिटल, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है ना? तो इसको देख लेना एक बार, ओके? चलो एंड करती हूँ मैं क्लास को।